सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली वो दिन आ गया जब हम कॉलेज जाएंगे। तो आपको पता होगा कि मुझे NLU लखनऊ कॉलेज अलॉट हुआ है। सो 9 जुलाई को मुझे एक ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि 12 जुलाई से फर्स्ट ईयर की BBA LLB की ओपनिंग हो जाएगी। मतलब आप वहाँ पर जाइएगा, आपको रूम अलॉट हो जाएगा हॉस्टल में। और 16 को हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन होगा, 18 को दूसरा होगा और 20 को तीसरा, और उसके बाद हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आज है 14 और कल मैं अब लखनऊ के लिए मूव करूंगा अपनी सिटी से। एक दिन पहले जाऊंगा कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से हो जाएं। लेकिन जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि पैकेजिंग, मैं क्या क्या ले जाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या चीज़ें मैं ले जाने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद कि मैंने क्या क्या चीज़ें पैक की हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, और जो जो चीज़ें मुझे ले जानी है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो इस लिस्ट के सबसे पहली जो चीज़ है क्लोथ्स। मैंने कुछ पैंट्स और जीन्स रखी हैं। सेकंड में कुछ शर्ट्स और टी शर्ट्स रखी हैं, और ये नाइट में पहनने के लिए कुछ लोअर्स, एक हैंकरचिप का बॉक्स, और ये बेल्ट, सॉक्स और ये अंडरगारमेंट्स। जो सेकंड चीज़ है ये बेडशीट्स हैं। बेडशीट्स मैंने 3 या 4 रखी हुई हैं। थर्ड पे जो चीज़ आती है ब्लैंकेट, जो आप रात में उड़ के सो सकते हैं। जैसे मैंने 2 रखी हुई हैं, इसको 2 भी कह सकते हैं आप। और एक पिलो, पिलो आप अपना खुद का ले जाइएगा, शायद हॉस्टल में आपको जो मिले वो पिलो की कंडीशन अच्छी ना हो, तो आप अपने लिए अरेंज कर लीजिएगा पहले से। सेकंड चीज़ जो आती है क्लोथ हैंकर, जैसा कि आप देख सकते हैं एक वहाँ पे वार्डरोब तो रहेगी, उसमें आप आसानी से अपने कोट क्लोथ को टांग सकते हैं। जैसे जो अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है ये चार्जर और ईयरफोन्स, मतलब, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं। और ये मैंने शायद अगर वहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा रूम में, तो ये मैंने एक टेबल लैम्प रख लिया है। आप कई कई कॉलेज में शायद ये अलाउड नहीं होगा, आपको पहले वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकेंगे। एक ये बैकपैक रखा है बुक्स के लिए, और जो चीज़ें जो मुझे एसेंशियल रहेगी उसको मैं इसी में बैग में रख लूँगा। उसके बाद आता है मिरर। मिरर शायद आपको वहाँ पे वार्डरोब के साथ ही मिले, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो आप अपने लिए ले जा सकते हैं, मैंने जैसे लिया है। उसके बाद टॉयलेट्रीज आ जाती हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, सोप और शैम्पू। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी एक चीज़ है, मेडिसिन। मतलब आपको शायद वहाँ पे अगर आप किसी दोस्त से मांगे तो आपको शायद खाने पीने की चीज़ ज़रूर मिल जाए, लेकिन अगर आप रात में किसी से मेडिसिन मांगते हैं तो शायद आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप एक मेडिसिन रख ही लीजिएगा। ये मैंने सर्दी जुकाम और खांसी की ऐसी कोई मेडिसिन है, बाद में देख लूँगा। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मतलब ये कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको ये तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ आ सकती है ये कुछ हैंकर हैं और पिन, जो आप जैसे दीवार पर टांग सकते हैं जैसे कपड़े, और ये कपड़े सुखाने की पिन। उसके बाद ये एयरबड्स और सीज़र और ये नेल कटर और ये रस्सी अगर कपड़े सुखाने के लिए काम आएगी। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग सारी चीज़ें रख ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। जैसे लॉन्ड्री बैग ये मेरे पास है नहीं, तो मैं वहीं पे जाके ख़रीदूँगा। और ये बकेट भी नहीं है, बकेट भी मैं वहीं पे ख़रीदूँगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शायद आपको पता नहीं होगा, यूटेंसिल। मतलब आप एक प्लेट, बॉल या स्पून आप भी रख लीजिएगा, जैसे आप कभी मैगी बना के खाते हैं या कुछ बाहर से मंगवाते हैं सामान, तो उसको खाने के लिए आपको ये काम आएगा। मतलब वहाँ पे शायद आपको अवेलेबल ना हो, मेस में जो आप खाना खाते हैं आपको वो जो यूटेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं आपको वहीं पे उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप मेस की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, रूम में नहीं ला पाएंगे। उसके बाद बाकी ये सब चीज़ें भी हो गई हैं। उसके बाद तो शायद मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, और कुछ भी अगर मैं भूल रहूँगा। अच्छा, पावर बैंक भी मैंने रख लिया है एक, शायद इसको काम पड़े। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको। सो सारी चीज़ें मैं बैग में अरेंज कर लेता हूँ, जो चीज़ें मुझे ले जानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं इस बैग में डालूँगा, इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, तो मैं आपको मिलता हूँ सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद बैग में। आज 15 और कुछ समय बाद मैं अपने सिटी से लखनऊ के लिए निकलूँगा। रात में पैकिंग में बहुत देर हो गई थी तो मैं सो गया था, लेकिन सुबह जल्दी उठ के मैंने सारी अपनी पैकिंग कंप्लीट की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस बैग में सारी बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं,
और इस बैग में सारे मैंने कपड़े अरेंज कर दिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ले जानी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, मतलब इसके बिना तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आपको उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में आपको अपने साथ रख लेने हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। और पांच चीज़ें तो आपको ज़रूर एक अलग आप एक फ़ाइल बना लीजिएगा जो आपके हॉस्टल में मतलब लगेगी, लाइक आधार कार्ड आप अपना रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का रख लीजिएगा, और क्लैट का एडमिशन फॉर्म, और जो आपने कॉलेज की फ़ीस जमा की है, काउंसलिंग की फ़ीस जमा की है, और कुछ पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो रख लीजिएगा। मतलब वो शायद आपको हॉस्टल अलॉट करते समय आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे जमा करने पड़ेंगे। और साथ में मेरा और कुछ एक पेन और ग्लू भी रख लीजिएगा, शायद आपको वहाँ पे ना मिले तो आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। ये मैंने मार्क्स रख लिया है, वॉच हो गई, और ये मेरी आई ड्रॉप से मैं डालता हूँ कभी कभार अगर आँखें लाल हो जाती हैं तो। और ये लॉक इन की, मतलब आपको शायद वहाँ पर रूम में मिले, लेकिन अगर शुरू में आपका अगर रूम पार्टनर नहीं आता है तो आपको रूम को लॉक करने के लिए ये लगेगा। तो चलिए चलता हूँ, अभी मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और थोड़ी देर में मैं जाने के लिए निकलूँगा, लेकिन उससे पहले आफ्टर पूजा करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद और एक बार सारी सामान मिलाने के बाद के कुछ छूटा तो नहीं, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब मैं कुछ देर में निकलने वाला हूँ, शायद 5 या 10 मिनट में, तो आपसे मैं मिलता हूँ। Thank you.
आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर जाऊंगा रूम की अरेंजमेंट के लिए और बाकी ओरिएंटेशन सेशन है उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, तब तक के लिए शायद मेरा रूम पार्टनर भी आ जाए। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।